नमस्कार जी, मैं शेफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कहते हैं कि मन खुश तो सब खुश। मन कब खुश? जब बच्चे खुश। घर में दिक्कतें तो जो हैं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन दिक्कत ये प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जब दिक्कत आ तो जाती है लेकिन जाने का नाम नहीं लेती। तो आज उसी दिक्कत, उसी प्रॉब्लम, उसी समस्या के बारे में जानकारी लेंगे हम प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिवाली जी, ओम नमः शिवाय गुरु जी। प्रोफेसर, घर में अगर बच्चे खुश होते हैं ना तो माँ बाप पूरी तरह खुश होते हैं, लेकिन जब बच्चों को ही दिक्कत आती है तो माँ बाप जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो दिक्कत, आज उस दिक्कत के बारे में आपसे जानकारी लेनी है। मुझे लगता है कि ऐसी जो दिक्कत है ना, आज की डेट में 100 में से 30 या 40% दिक्कत जो है ना वो बच्चों को है, जिसे हम कहते हैं ऑटिज़म। तो प्रोफेसर, ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये अभी इतनी ज़्यादा क्यों हैं? अभी आप देखो कि 2 महीने पहले से हम देख रहे हैं लगातार लोग आपके पास आ रहे हैं बच्चों को लेकर कि हमारे बच्चे की जो है बुद्धि का विकास नहीं। तो प्रोफेसर, ये पहले दिक्कत नहीं थी? अगर हम 7-8-10 साल 15 साल पीछे जाएं तो ऐसी दिक्कतें ज़्यादा नहीं होती थी। 1-2 बच्चे होते थे तो आप सॉर्ट आउट कर देते थे, लेकिन आजकल अगर हम पर डे की बात करें, अगर आपके पास 20 क्लाइंट हैं उसमें से 15 क्लाइंट जो हैं वो आपको आपके पास आ रहे हैं बच्चों की दिक्कत लेकर, ऐसा क्यों प्रोफेसर? बहुत अच्छा प्रश्न पाली जी आपने। आज आपने कि बच्चों के ऊपर जो ऑटिज़म की प्रॉब्लम आ रखी है, तकरीबन मेरे पास तो सभी वही आते हैं जिनको कभी कुछ, कभी किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, कभी किस चीज़ की, मैं नाम नहीं लूँगा, बीमारियों का नेगेटिविटी आ जाती है, शुगर की प्रॉब्लम कह देते हैं, और यहाँ तक कि गिल्टियाँ बन जाती हैं जो कैंसर का कारक बन जाती हैं। बहुत ऐसे आजकल जो मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं वो बीमारी को लेकर ही आ रहे हैं, और सबको पता है कि प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो सभी वही आते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को लेकर, ऑटिज़म की प्रॉब्लम आ रही है, जो डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर बच्चे को देखते ही कह देता है इसको ऑटिज़म है, इसको ऑटिज़म है। मैंने कहा कैसे, कमाल की बात है, हर बच्चे को ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बच्चे का, कल भी बच्चा आया था, परसों भी बच्चा आया था, तो मैंने चेक किया अच्छे ढंग से, उसको अपनी गोद में बिठाया, उसका चेहरा देखा, उसको बुलाया, वो बोल नहीं रहा था मेरी, और इग्नोर कर रहा था मेरे को, यानी कि मेरी आंखों में आंखें नहीं डाल रहा था। इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मैंने उसकी कुंडली चेक की, तो कुंडली से पता चला कि वो एक गंडमूल में बच्चा है। चलो, गंडमूल का इतना प्रभाव 2.5 साल तक ही रहता है गंडमूल का प्रभाव, लेकिन 3.5 साल तक तो गंडमूल का प्रभाव नहीं रहता। बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी भी पूरी दुनिया मेरा एपिसोड देख रही है, गंडमूल का प्रभाव 2.5 साल तक रहता है, उसके बाद नहीं रहता। 2.5 साल तक माँ के ऊपर भारी, या पिता के ऊपर भारी, या अपने आप के ऊपर भारी, नानकों पे भारी, दादकों पे भारी, इसके ऊपर भारी है। गंडमूल के जो नक्षत्र होते हैं वो केतु और बुध के नक्षत्र होते हैं। केतु और बुध के नक्षत्र कैसे होते हैं पहले अच्छे ढंग से समझ लीजिए, जब तक मैं समझा नहीं देता मेरे को भी तसल्ली नहीं आती। केतु चंद्र को ग्रहण लगाता है, बहुत ध्यान सुनिए, केतु चंद्र को ग्रहण लगाता है, और जो बुध ग्रह होता है वो खटास पैदा, जहर पैदा करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं नींबू दूध में डाल दूँ तो वो फट जाएगा, यानी कि दूध पनीर बना सकते हैं, आजकल तो पनीर स्पेशल बनाते हैं, अगर ज़्यादा नींबू डाल दिया तो क्या करेंगे। तो ऐसा होता है जब कभी दूध में खटास आ जाती है, दूध पीने लायक नहीं रहता, पेट की बीमारियां लगाता है। ऐसे ही केतु, केतु बदबू वाला पानी, गंध, दूध में एक चमचा डाल दे तो क्या बनेगा, स्मेल आने लगे। तो केतु चंद्र को ग्रहण लगाता है, बुध क्या करता है, चंद्र को खराब करता है। तो बुध और केतु के जो नक्षत्र होते हैं वो बच्चे को गंडमूल लगाते हैं, और जो सबसे बड़ा रोल करता है अदा वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह 8th हाउस में आ जाए, 12th हाउस में आ जाए, 11th हाउस में आ जाए तो खराब होता है। आप बोलोगे प्रोफेसर साहब बुध 8th हाउस में 12th हाउस में कैसे खराब होता है, आपने तो 6, 8, 12 बोलते हो, 6, 8, 12 में ग्रह खराब होते तो आपने 6th हाउस क्यों नहीं खराब बोला?
आपने 8 और 12वें घर में के बारे में क्यों बताया? बुध ग्रह खराब होता है, 11वें घर में भी खराब होता है, कम होता है, लेकिन होता 11वें घर में भी है। साइंटिफिक रीजन से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। हम जब कुंडली बनाते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक 8 हाउस में 8 राशि आती है, काल पुरुष की कुंडली। वैसे तो आपकी कुंडली बनती है राशि कौन सी, आपके जो जिस जन्म में आपने जन्म लिया, जिस लग्न में आपने जन्म लिया, जिस समय आपने जन्म लिया, उस वक्त कौन सा नक्षत्र था चंद्रमा का, उस वक्त लग्न का कौन सा ग्रह था, ये देखना पड़ेगा कि आपका जन्म किस ग्रह किस नक्षत्र में किस राशि में हुआ। उसी तरीके से काल पुरुष की जो कुंडली बनती है वो हमेशा काल पुरुष की कुंडली ऐसे ही रहती है, मेष लग्न लग्न में आता है काल पुरुष की कुंडली में, तो 8 हाउस आ जाता है मंगल का, 12वां हाउस आ जाता है शुक्र का, यानी कि मीन राशि। मीन राशि में बुध नीच माने जाते हैं और मंगल की राशि में बुध अच्छे नहीं होते, इसलिए 8 हाउस में और 12वें हाउस में बुध ग्रह अच्छे नहीं होते। फिर आती है बात नक्षत्रों की, कौन से नक्षत्र में लेकर आया बच्चा, पहले नक्षत्र का जो पहला पाया, दूसरा पाया, तीसरा पाया, चौथा पाया, आप सबको पता है पाए के बारे में, सोने का, चांदी का, तांबे का, लोहे का, पाए के बारे में पता है, लेकिन गंड मूल में अगर कहीं लोहे का पाया आ जाए तो और भी ज़्यादा खराब होता है। बहुत ध्यान से बातें सुनने वाली होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे ढंग से समझाऊंगा तो आप भटकोगे नहीं, नकली ज्योतिषियों के पास नहीं जाओगे जो कहते हो तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तेरे को ऐसा हो गया, तेरे तो ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रह बच्चा साथ लेकर आता है, लेकिन आजकल ही क्यों, शेफाली जी ने पूछा, आज पहले तो 10 साल में बच्चे होते थे तब भी तो गंड मूल में आते थे, तब दूसरे में आते थे, तो क्यों नहीं पहले ऐसी प्रॉब्लम आती थी, आजकल ही क्यों? बहुत ध्यान सुनिए, आजकल इसलिए सबसे बड़ा रोल अदा करती है माँ। अगर माँ बच्चे को, बच्चा कब से शुरू हो जाता है पैदा होना, पहले ये ध्यान रखिए, जब माँ के पेट में बच्चे का बीज जाता है, जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, 5 महीने में उसकी बुद्धि काम करने शुरू कर देती है। तो माँ क्या करती है, मोबाइल पकड़ के ऐसे बैठी रहती है और बच्चा जो मोबाइल के ऊपर रेज है उसकी जो नसें हैं वो कमजोर होती जाती है। मोबाइल आजकल सबसे ज्यादा है भाई, रात के 10-10 11-11 12-12 बजे तक जिसके पेट में बच्चा है उसको तो कम से कम 10 फुट दूर मोबाइल को रखे, 10 फुट दूर, यानी कि अपने बेड के इर्द गिर्द नहीं, अपने कमरे से भी बाहर मोबाइल को रखे। जिस बच्चे को पैदा करने वाली माँ रात को अपने बेड के पास या सराने के पास मोबाइल रख के सोती है, उस बच्चे को 100% ऑटिज्म की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मैंने फिर बताया चंद्रमा मन का कारक, तो जो मन होता है वो चंद्र के अधीन होता है। बहुत ध्यान सुनिए, यहाँ सूर्य, यहाँ राइट कान के ऊपर यहाँ पे सूर्य, लेफ्ट कान लेफ्ट दाई आंख के ऊपर यहां चंद्रमा, चंद्र और सूर्य। सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है जो पूर्णमासी को जन्म लेता है। बहुत ध्यान सुनिए, क्यों? क्योंकि अपने ही जगह पर स्थित हो गए, चंद्रमा यहां आ गया, उसके सामने सूर्य आ गया। जब कभी इंसान की मौत होती है, कहते एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, छोटी सी चोट लगी थी मृत्यु हो गई, उसके यहां पर चोट लगती है, यहां पर जब यहां पे चोट लगती है तो सूर्य डैमेज हो जाता है, अपनी आत्मा खत्म हो जाती है, उसी वक्त इंसान की मृत्यु हो जाती है। सूर्य और चंद्र जब यहां पे चोट लगती है तो क्या होता है, याददाश्त चली जाती है, कोमा में चला जाता है इंसान। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ये डॉक्टरों की बातें हैं जो मैं आप सबको समझा रहा हूं। सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र अगर कहीं खराब हो जाते हैं तो बच्चा कमजोर होता है। राजा और रानी, गंड मूल की बात की, गंड मूल तो हर इंसान को पहले होते थे, लेकिन ऑटिज्म की प्रॉब्लम देता है राहु। राहु क्या है, सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल, टीवी, मोबाइल, टीवी, कैमरा, जितनी लाइटें, बिजली से चलने वाला सामान सब राहु के अधीन है भाई, शुक्र के अधीन है। जब फोटो खींच के बाहर आ जाती है तो वो शुक्र बन जाती है, लेकिन जब तक फोटो आपको, जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द 4-5 कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि 4-5 राहु मेरे को देख रहे हैं,
तो मेरा राहु छठे में है भाई, बहुत अच्छा है। इसलिए राहु क्या करेगा, राहु बंदे को करोड़पति बना देता है, अरबपति बना देता है। अगर मैं दिन रात यहाँ पे कैमरे लगा लूँ, आप देखिए हीरो हीरो हीरोइन कितने मेहनत करते हैं दिन रात लैटों में कैमरों में, बेचारों की ना लास्ट में स्किन जो ढिलक जाती है, स्किन को खा जाता है राहु, बालों को खा जाता है राहु। तो राहु बहुत खतरनाक है भाई, जितना राहु को ज़्यादा नज़दीक रखते हो वो आपको खा जाएगा, आपकी स्किन को खा जाएगा। 80 साल तो बहुत दूर की बात है, 70 साल में बूढ़ा कर देगा। तो ऐसे ही बच्चों को माँ के पेट में जो नसें होती है बननी शुरू होती हैं, जब बननी शुरू होती हैं तो माँ पेट के ऊपर मोबाइल रख के ऐसे ऐसे देखती रहती है, तो उतना ही बच्चे का दिमाग स्लो होता जाता है। जितने आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं 99% बच्चों को ऑटिज्म की प्रॉब्लम होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि आपने राहु का साथ नहीं छोड़ा, बच्चे की नसें कमजोर, ऊपर से जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ साल का तो ऊपर से उसको मोबाइल हाथ में थमा दिया। पहले तो पेट में जब वो नसें बन रही थी वो बनने नहीं दी, जब साल डेढ़ साल का होता है तो मोबाइल हाथ में थमा देते हैं, टैब हाथ में थमा देते हैं, उसकी रेज बच्चे को खाना शुरू कर देती है। फिर वो बच्चे किसी की ओर देखते नहीं हैं, सिर्फ वो अपना दिमाग काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करेंगे, इधर उठाएंगे चीज़ इधर फेंकेंगे, उधर उठेंगे उधर बैठेंगे, किसी के साथ खेलना कूदना बंद, बात करनी बंद, उसको कहते हैं ऑटिज्म की प्रॉब्लम। तो यहाँ से शुरू होती है, शुरुआत माँ ने की, माँ ने क्या किया, समझाने वाला अगर कोई घर में बड़ा है वो समझाता है तो बच्चे आज का कहना नहीं मानते, कहता है जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, जैसे आप कर्म करते हो, जैसे वाले जी बोला जैसे प्राणी कर्म करता है वैसे ही फल मिलता है। तो आप अंदर बैठ के लाइटों में एसी में पंखे के नीचे मोबाइल के साथ बच्चे को पेट में लिए हुए मोबाइल के साथ आप लगे हुए हो तो बच्चा कभी भी तंदुरुस्त नहीं होगा। जिसका बच्चा तंदुरुस्त होगा वो माँ क्या करेगी, हवा में, आज मैं अंदर बैठा हूँ बाहर शोर आता है, लाइट नहीं होती, स्किन अच्छी नहीं आती, हम अच्छे ढंग से बात नहीं कर पाते, शांति से बात नहीं कर पाते, तभी मैंने आज अंदर एपिसोड किया, नहीं तो मैं बाहर एपिसोड करता हूँ, लैटो में एपिसोड नहीं करता मैं। तो इसलिए जितने भी आपके बाल, आपके बच्चे, आपकी स्किन, आपकी आंखें, ये सब कुछ करता धरता राहु है भाई। तो राहु ही चंद्र को अर्धग्रहण लगाता है, तो पहला कसूर आपका, दूसरा कुंडली के मुताबिक जिस जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो वो कुंडली जरूर दिखाए, उसके मुताबिक मैं उपाय बताता हूँ तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता जो बच्चा यहाँ पे आए वो ठीक ना हो। प्रोफेसर साहब, आज आपने इतना समझाया हमें, अपने परिवार के लोगों को, तो कबीर जी कहते हैं चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। तो प्रोफेसर साहब आप बहुत ज़्यादा समझाते हैं लोगों को, लोग फिर भी नहीं समझ पाते, या तो मुझे लगता है कि आपके एपिसोड लोगों तक नहीं पहुंच पाते। तो प्रोफेसर साहब अभी तो बात की आपने की माँ को समझाने की कि शुरुआत ऐसे होनी चाहिए, लेकिन अब जिन बच्चों को दिक्कत आ चुकी है, जो बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो चुके हैं, तो वो क्या उपाय करें? शेफाली जी, वैसे तो ग्रहों के मुताबिक उपाय बनता है जी, फिर भी मैं एक उपाय दे देता हूँ भाई, सब मेरे अपना परिवार है, नाराज ना हो कि प्रोफेसर साहब ने इतनी बड़ी बीमारी के बारे में खुलासा किया लेकिन उपाय तो बताया नहीं। जिनको प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है उनको इस उपाय से आराम मिल जाएगा जो मैं उपाय बताने वाला हूँ। जिनकी ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो चुकी है उनको कुंडली दिखानी ही पड़े जी। बहुत ध्यान से उपाय सुनिए। कच्चा दूध लेना है, गाय का हो जाए तो क्या बात, गाय का कच्चा दूध उबला हुआ नहीं चाहिए। पहले बच्चे को नहलाइए, फिर उसके बाद कच्चे दूध की मालिश कीजिए, फिर उसके बाद खाली पानी डालिए ताकि दूध रोम छिद्रों के द्वारा अंदर जा सके, उससे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई है ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्द बच्चा ठीक हो जाएगा। नहाना किस किस दिन है? सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, वीरवार के दिन, एतवार के दिन, शुक्रवार और बुधवार नहीं नहाना। बहुत ध्यान सुनिए, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, वीरवार के दिन और एतवार के दिन, शनिवार, शुक्रवार, बुधवार नहीं नहाना। अगर ऐसे आप करते हो
तो बच्चा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अगर थोड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत है, अगर शिकार हो चुका है, तो कुंडली जरूर दिखाइए। बच्चों को एलोपैथिक दवाई नहीं देनी चाहिए, उससे वो बच्चा जितना ज़्यादा सोएगा, कहते बच्चा सोने से डॉक्टरों की, वैसे तो डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूँ मैं, वो उनकी पढ़ाई अलग है, मेरी पढ़ाई अलग है, बच्चा जितना खेल कूद करेगा उतनी जल्दी ठीक होगा। पार्क में, हवा में जितनी आप मेडिसिन दोगे उसको उतनी नींद आएगी, तो वो जितनी जैसे नसें हैं वह धीरे धीरे ग्रोथ, मान लीजिए एलोपैथिक की दवाई से ग्रोथ होगी 100 में से 5%, यानी कि जो बच्चे ने 6 महीने में या 3 महीने में ठीक होना है, वो बच्चा एलोपैथिक की दवाई से 10 साल लग जाते हैं ठीक होते होते, क्योंकि 5%। अगर आप पार्क में, नेचर में, उसे खेलने के लिए 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को नेचर में खेलेगा, उसकी नसें खुलेंगे, तो साथ के साथ उपाय उस ग्रह के, तो ग्रह बहुत जल्दी साथ देते हैं, तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर साहब, आज आपने उपाय देकर जो लोग ऑटिज़म का शिकार हो चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसे उपाय करके बच्चे जो ऑटिज़म का शिकार हुए हैं वो अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं और उनकी बुद्धि का विकास भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एपिसोड को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।